हेलो एवरीवन, वेलकम टू अभिनंदन स्टडी पॉइंट। अभिनंदन स्टडी पॉइंट पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है, डेली शाम 4 बजे जीके और जीएस की क्लास होती है, जिसमें मैं आपको 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूँ, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये सभी वो प्रश्न होते हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे जा चुके हैं। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। तो पहला प्रश्न है आपका, लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हैं। तो लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हैं मीरा कुमार। मीरा कुमार जी लोकसभा की पहली महिला स्पीकर हैं, आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न है, किसको मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है? जो कि तापमान को मापने के लिए बोलोमीटर का उपयोग किया जाता है। ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। अगला प्रश्न है आपका, किसमें परिवर्तन के कारण मार्बल का निर्माण होता है? जो कि चूना पत्थर में परिवर्तन के कारण मार्बल का निर्माण होता है, आप ध्यान रखिएगा। आपको बता दें दोस्तों, डेली में आपको 10 से 12 मिनट में 25 महत्वपूर्ण प्रश्न करवाता हूँ, जो आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। और ये सभी वो प्रश्न हैं जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं। आप इसको डेली ज्वाइन कीजिए, आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, और अपने आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए काफ़ी अच्छे तरीके से प्रिपेयर भी हो सकेंगे। फोर्थ नंबर क्वेश्चन है, शुक्र पर एक वर्ष में कितने दिन होते हैं? शुक्र पर एक वर्ष में 225 दिन होते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, जो कि शुक्र पर एक वर्ष में 225 दिन होते हैं, आप ध्यान रखिएगा। फिफ्थ नंबर क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा राजस्थान का एक हिल स्टेशन है? इनमें से माउंट आबू, ऑप्शन नंबर बी माउंट आबू जो कि है राजस्थान का एक हिल स्टेशन, आप समझ गए होंगे। सिक्स नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा आर्टिकल राष्ट्रपति को, भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार देता है? जो कि आपका आर्टिकल है अनुच्छेद 75, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर है, अनुच्छेद 75 जो कि राष्ट्रपति जी को भारत के प्रधानमंत्री को नियुक्त करने का अधिकार देता है, आप ध्यान रखिएगा। सेवेंथ नंबर क्वेश्चन है, भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? जो कि भूकंप की तीव्रता को मापने के लिए सिस्मोग्राफ उपकरण का उपयोग किया जाता है। सिस्मोग्राफ के द्वारा भूकंप की तीव्रता को मापते हैं, आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। दोस्तों जितने भी क्वेश्चंस मैं करवाता हूँ, सभी आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है, सभी टॉप लेवल के क्वेश्चन हैं, जो आपके आने वाले एग्जाम्स में देखने को जरूर मिलेंगे। एट्थ नंबर क्वेश्चन है, शून्य भेदभाव दिवस किस तारीख को पूरी दुनिया में मनाया गया? जो कि शून्य भेदभाव दिवस मनाया गया है 1 मार्च, 1 मार्च को शून्य भेदभाव दिवस मनाया जाता है, आप ध्यान रखिएगा। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन है, बाघ का वैज्ञानिक नाम क्या है? बाघ का वैज्ञानिक नाम है पैंथरा टिग्रिस, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पैंथरा टिग्रिस जो कि बाघ का वैज्ञानिक नाम है, आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। दोस्तों अगर आपको ये क्लास अच्छी लग रही हो तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें, लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। 10वां नंबर क्वेश्चन है, संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम कितना अंतराल हो सकता है? जो कि संसद के दोनों सत्रों के बीच अधिकतम अंतराल हो सकता है 6 महीने का, 6 मंथ का अधिकतम जो है मैक्सिमम अंतराल होगा संसद के दोनों सत्रों के बीच, आप ध्यान रखिएगा। 11वां नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया था? ये किन्ने व किस दिन होगा, ठीक है, भारतीय संविधान को किस दिन लागू किया गया था? जो कि लागू किया गया था 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1950 को भारतीय संविधान को लागू किया गया था। आपको दोस्तों कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आंसर देना है कि भारतीय संविधान कितने दिनों में बनकर तैयार हो गया था, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। अगर आप जीके की प्रिपरेशन करते हैं तो आपको इसका आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर देना है, ये है आपका आज का होमवर्क। 12वां नंबर क्वेश्चन है, मध्य प्रदेश में कितने ज्योतिर्लिंग स्थित है? जो कि मध्य प्रदेश में 2, ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, 2 ज्योतिर्लिंग स्थित है मध्य प्रदेश में, आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। 13वां नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन किसी राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री है? जो कि सुचेता कृपलानी जी,
उत्तर प्रदेश राज्य की पहली महिला मुख्यमंत्री हैं। आप ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में राज्य भी पूछा जाता है, जो कि सुचेता कृपलानी थी, उत्तर प्रदेश की पहली महिला मुख्यमंत्री। आप समझ गए होंगे। 14 नंबर क्वेश्चन है, सेफ्टी दिया सिलाई उद्योगों में किस फास्फोरस का उपयोग किया जाता है, जो कि सेफ्टी दिया सिलाई उद्योगों में लाल फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। सेफ्टी दिया सिलाई जो आपका होता है मैच बॉक्स, उसमें लाल फास्फोरस, रेड फास्फोरस का उपयोग किया जाता है। आप समझ गए होंगे। 15 नंबर क्वेश्चन है, लेजर प्रिंटर किस प्रकार के प्रिंटर हैं, जो आपका लेजर प्रिंटर है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, जो कि लेजर प्रिंटर नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर है। आप ध्यान रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में कितने तत्व हैं, जो कि आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा, आवर्त सारणी के दूसरे आवर्त में 8 तत्व होते हैं। आप इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों। मैं दो बार रिपीट इसलिए करता हूँ, जैसा कि आपको पता है कि आप इसको दो बार सुनेंगे, आप अच्छे तरीके से आप क्लियर भी होंगे और आपको याद करने में काफ़ी आसानी होगी। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक मिल जाएगी। आप उस लिंक से उस ग्रुप में ज्वाइन हो जाइए, आपको सभी पीडीएफ उस ग्रुप में प्रोवाइड कर दी जाती है। आप समझ गए होंगे। 17 नंबर क्वेश्चन है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या है, जो कि पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, पानी का रासायनिक सूत्र है H2O। काफ़ी इजी क्वेश्चन था, आपको पता भी होगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, हीलियम के नाभिक में क्या होता है, जो कि हीलियम के नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन। तो ऐसा दोस्तों ऑप्शन में मिस्टेक है, ठीक है, दो ऊपर हो गया है। आप ध्यान रखिएगा, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन हीलियम के नाभिक में होता है। आपके लिए महत्वपूर्ण है, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, जो कि मैं दोबारा रिपीट करता हूँ, हीलियम के नाभिक में दो न्यूट्रॉन और दो प्रोटॉन होते हैं। आप समझ गए होंगे। 19 नंबर क्वेश्चन है, परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज किसके द्वारा की गई थी, जो कि परमाणु में न्यूट्रॉन की खोज की गई थी चैडविक के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा, चैडविक के द्वारा न्यूट्रॉन की खोज किया गया था। आप समझ गए होंगे। 20 नंबर क्वेश्चन है, रेशम कीट पालन को क्या कहा जाता है, जो कि रेशम कीट पालन को कहा जाता है सेरीकल्चर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, रेशम कीट पालन को सेरीकल्चर कहा जाता है। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपकी सभी एग्जाम्स में पूछे गए हैं, जैसे कि आप सीजीएल सीएचएसएल सभी एग्जाम्स में बहुत बार पूछे गए हैं। नेक्स्ट है 21 नंबर क्वेश्चन, जूलॉजी किससे अध्ययन से संबंधित है, जो कि किस अध्ययन से संबंधित है जूलॉजी। आपका राइट आंसर है सजीव और निर्जीव प्राणी दोनों से। जो आपका जूलॉजी है, ये अध्ययन किस अध्ययन से संबंधित है, सजीव और निर्जीव प्राणी दोनों से। आप समझ गए होंगे। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज की गई पहली एंटीबायोटिक थी, जो कि जो पहली एंटीबायोटिक थी जो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा खोज की गई थी 1928 में, पेनिसिलिन। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा, पेनिसिलिन की खोज की गई थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग के द्वारा 1928 में, जिनकी वह पहली एंटीबायोटिक थी। आप समझ गए होंगे। 23 नंबर क्वेश्चन है, यदि एक पदार्थ का पीएच मान 7 से कम है तो इसे क्या माना जाएगा, तो इसे माना जाएगा एसिडिक। ऑप्शन नंबर सी अम्ल माना जाएगा। आप ध्यान रखिएगा, आपको बता दें, यदि 7 से अगर ज़्यादा है तो वो आपका बेस हो जाएगा, यदि आपका 7 से कम है तो आपका अम्ल हो जाएगा। आप इसको ध्यान रखिएगा, आपके एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। अगला प्रश्न है, ठोस आयोडीन का रंग होता है, जो कि ठोस आयोडीन का रंग होता है, बताइए दोस्तों कैसा होता है, जामुनी भूरे काला रंग का होता है। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, ठोस आयोडीन का रंग होता है जामुनी भूरे से काला। आप समझ गए होंगे। 25 नंबर क्वेश्चन है, काला बाजसर का रोगवाहक कौन सा है, जो कि काला बाजसर का रोगवाहक है। आपका राइट आंसर होगा सिकता मक्खी, जो सिकता मक्खी होती है काला बाजसर का रोगवाहक होती है। आप समझ गए होंगे। तो दोस्तों ये थे आपके 25 महत्वपूर्ण प्रश्न, जो आपके एग्जाम में बहुत बार पूछे गए हैं और आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए NTPC ग्रुप डी CGL CHSL एंड ऑल स्टेट एग्जाम्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। आशा करते हैं आपको ये क्लास बहुत अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी है लाइक करें, कॉमेंट करें और शेयर जरूर करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं
तो सब्सक्राइब कर ले चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें लेटेस्ट वीडियो की अपडेट सबसे पहले आपको मिलने के लिए। तो आज की क्लास को यहीं ओवर करते हैं। थैंक यू।